अच्छा हमें लगा कि ये करना चाहिए तो वो कभी अमीर गरीब किसी मजहब का वो हम हमने कभी नहीं देखा ना आज तक। जो सेंटर मिनिस्टर हैं यहाँ हमारे उनकी भी आपने कितनी जो है ट्रांसलेशन मैंने जाके दिल्ली में करी थी। पीजीआई संस्थान में कितने लोगों की किडनी जो है पेशेंट्स की किडनी जो है ट्रांसप्लांट की गई है? 4700 पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट हो चुका है। 4700 तो बहुत अच्छी फिगर है। ये जो बात कर रहा हूँ मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ कि जब फैमिली में से कोई डोनर आ जाए बिल्कुल फैमिली में से डोनर नहीं आता है उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। वो वेटिंग लिस्ट तो अभी 8 साल तक पहुँची हुई है। बहुत सारे हैं कम से कम 3-4 हज़ार से ज़्यादा मरीज अभी होंगे जो इस लाइन में लगे हुए हैं पर जो एक्चुअल डोनेशन होती हैं हमारे पास वो बहुत कम होती हैं। उत्तर भारत में पीजीआई का नाम हैगा। पीजीआई एक यही संस्था हैगी है जिथे इलाज कराने लिए दूर दूर तो पेशेंट आते हैं और ऐसी सुन दसती है पीजीआई इलाज कराने वाले जोड़े डेली पेशेंट आते हैं उन्होंने संख्या हज़ारों में हैगी है। और पीजीआई आज तो 50 साल पहला 1973 में किडनी ट्रांसप्लांट पहली बार की गई सी और अज उसका गोल्डन जुबली जोड़ा ईयर है वह मनाया जा रहा। साढ़े न हैड ऑफ द डिपार्टमेंट आशीष शर्मा जी हैं और मुक्त मिंच जी हैं डॉक्टर साहब हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं इन्होंने गलबात करते हैं। सर 1973 जो सर आपने पहली बार ऑपरेशन किया किडनी ट्रांसप्लांट की उस टाइम और आज की स्थिति में कितना चेंज आ गया? 1973 मैंने नहीं किया था जी मैं तो पीजे आया नहीं था जी। हमारे जो मेरे जो मेंटोर हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं प्रोफेसर आरवीएस यादव जी उन्होंने किया था 73 में उन्होंने किया था। सो उस टाइम में जैसे स्थिति थी अब में तो काफ़ी फ़र्क है। जो दवाइयाँ उस टाइम में देते होते थे वो बड़ा प्रिमिटिव था। अब तो जो इम्यूनोसप्रेशन जिसका हम कहते हैं जो दवाइयाँ देते हैं किडनी बचाने के लिए वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुका है। तो इसीलिए हम ये दावा कर सकते हैं कि ये 25-30 साल आराम से चले। एक हमारा पेशेंट को देखा ना वो 37 साल हो गया उसका ट्रांसप्लांट को आया हुआ था तो अभी ये हो गया। और फिर समझदारी बढ़ गई समझ हो गई किडनी डिजीज़ के बारे में और बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी आ गए तो उससे फ़र्क यह है कि जो लॉन्जिविटी है किडनी की वो बढ़ गई है। ये एक सबसे बड़ी चेंजे हैं। और सर्जिकल टेक्निक बन गया। पहले ओपन नेफ्रेक्टमी करके निकालते थे किडनी गुर्दा अब वो दूरबीन से लगा के निकालते हैं तो उसका भी फायदा है। अपने पेशेंट का जो डोनर है उसकी सहूलियत है वो जल्दी घर जा सकता है। इस तरह के चेंजेस तो काफ़ी हुई है। डॉक्टर साहब सक्सेस रेट 73 में और आज में क्या है? काफ़ी फर्क है। 73 में तो मुश्किल से कोई पेशेंट ही बचता था अभी तो 95% से ज़्यादा लोग ठीक होकर जाते हैं। 95% बड़ी अच्छी से भी ज़्यादा 95% से भी ज़्यादा ठीक होकर जाते हैं। डॉक्टर साहब जब 73 में जब किडनी ट्रांसप्लांट होती थी हालांकि उस टाइम भी किसी खास व्यक्ति की होती थी मेरे ख्याल शायद गरीब की तो शायद उस समय भी ना होती हो ये फैसिलिटीज़ गरीब लिए शायद ना हो ऐसा नहीं था क्योंकि उस वक्त बहुत कम लोग थे मतलब एक्चुअली तो फैसिलिटी ही बहुत कम थी। गरीब अमीर तो दूर की बात है पहले तो फैसिलिटी ही नहीं थी जी कि जहाँ पे ये सब ट्रांसप्लांट हो पाए जी। तो और अमीर ज़्यादा सोचते हैं तो शायद सोचता है कि उस वक्त ना आते हुए ट्रांसप्लांट कराने जी जी। जो ब्रेव हार्टेड थे कि चलो भाई करके देख लो और पता भी होता था कि रिजल्ट भी पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है इसके बाद। तो अभी ऐसा नहीं है अभी तो सरकार ही बहुत सारा एफर्ट करती है तो आई थिंक गरीबों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। प्रधानमंत्री योजना है आयुष्मान है तो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं उसमें गवर्नमेंट ने काम तो किया है। डॉक्टर साहब जी जी नहीं आप गरीब अमीर की बात आपने छेड़ी ना तो मैं ये कह दूँ कि एटलीस्ट पीजीआई में जी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुआ था जी। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये कौन सा जात का है किस मजहब से आता है किस धर्म से आता है। पेशेंट अपना मेरिट कैसे अच्छा हमें लगा कि ये करना चाहिए तो वो हो गए। कभी अमीर गरीब किसी मजहब का वो हमने कभी नहीं देखा ना आज तक देखते हैं। मुझे पता लगा आपने सुषमा स्वराज जी की जो सेंटर मिनिस्टर हैं हमारे उनकी भी आपने किडनी जो है ट्रांसप्लांट मैंने जाके दिल्ली में करी थी उनका ट्रांसप्लांट और सर वीआईपी से अगर नाम लिया जाए जैसे सुषमा स्वराज जी हैं तो और भी कई नाम होंगे जो आपके जहन में होंगे जिनकी आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है। ऐसे हैं तो सही मैंने इतना याद नहीं रखा है। वो गवर्नर यहाँ के थे हिमाचल के उनकी बेटी के मैंने किया था
पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ये गवर्नर रहें या सेंट्रल मिनिस्टर रहें, काम तो हमने वही करना है, वैसे ही उनका केयर लेनी है, वैसे ही ऑपरेशन करनी है। ये नहीं कि ये मिनिस्टर है तो इसका कोई डिफरेंट होगा और ये ऑर्डिनरी आदमी गांव से आया है तो उसका कोई डिफरेंट, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, 73 से 50 सालों में कितनी इस पीजीआई संस्थान में कितने लोगों की किडनी जो पेशेंट्स की किडनी जो है ट्रांसप्लांट की गई है? ऑलमोस्ट 4700 पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट हो चुका है। 4700 तो बहुत अच्छी फिगर है सर। तो सर, वो 4700 में सक्सेस रेट अगर आप, क्योंकि अपने पास तो पूरी डिटेल होगी, तो वो क्या रही सर 4700 को? मोर देन 90%। शुरू के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, बट अभी अगर देखो तो अभी तो बढ़िया रिजल्ट है सर। मुझे पता लगा है आज की डेट में वेटिंग लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, काफ़ी टाइम लग जाता है। वेटिंग लिस्ट को आप किस नज़रिए से देख रहे हो उस पर निर्भर करता है। मरीज आज मेरे पास आया, कह रहा अभी तो मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेने आया हूँ, रजिस्टर तो हो गया आज, ट्रांसप्लांट उसका 6 महीने बाद हुआ, तो मैं उसको 6 महीने की वेटिंग लिस्ट नहीं कहूँगा। वेटिंग लिस्ट हमारे पास पीजे में कभी भी नहीं रही है। सर्जरी के लिए जब मेरे पास पेशेंट आता है, मैक्सिमम आज की डेट में 2 हफ्ते या कभी 4 हफ्ते, इससे ज़्यादा वेट हमने कभी नहीं कराई। तो सर, किडनी भी तो मिलनी चाहिए ना जब हम ट्रीट, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये उसकी बात कर रहा हूँ कि जब फैमिली में से कोई डोनर आ जाए। बिल्कुल, फैमिली में से डोनर नहीं आता है उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है। वो वेटिंग लिस्ट तो अभी 8 साल तक पहुँची हुई है। 8 साल। और कितने मरीज सर उस लाइन में हैं जिनकी फैमिली में कोई डोनर नहीं आया? और बहुत सारे हैं, कम से कम 3-4 हज़ार से ज़्यादा मरीज अभी होंगे जो इस लाइन में लगे हुए हैं, पर जो एक्चुअल डोनेशंस होती हैं हमारे पास वो बहुत कम होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि जो ये 8 साल वाली जो फिगर है और बहुत सारे 4000 मरीज जो हैं लाइन में हैं, इनमें से किसी की वेटिंग लिस्ट के दौरान ही या वेटिंग के दौरान ही डेथ हो जाए? बहुत ज़्यादा, 10-20% तो कम से कम इतने पेशेंट तो हर साल निकल जाते हैं उसमें। तो सर, फैमिली जो नहीं मिलती, क्या उसमें कोई दिक्कत है या वो जान कोई फैमिली मेंबर तैयार नहीं होता, किस तरह की दिक्कतें सर आती हैं? ये कुछ दिक्कतें तो ऐसी होती हैं कि फैमिली में आजकल छोटी फैमिलीज हो गई हैं जी, किसी हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, तो अगर नहीं कंट्रोल है तो नहीं कर सकते उनको। हाँ, वो दे ही नहीं सकता, तो ये मेन यही कारण होता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मैं बच्चे की किडनी नहीं लूँगा, भाई बहन नहीं है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सर, डॉक्टर साहब, कोई मिथ वगैरह भी है इसमें दिक्कत जो आती है, जैसे बहुत लंबी फिगर है, कोई मिथ भी इसमें काम करते हैं? कई तरह के बहम होते हैं भी, हाँ यार इस तरह के कोई बहम भी है सर इस मामले में, लोगों को भी किडनी ना मिलने के कारण कोई बहम भी है, जैसे होता है भी नहीं यार हम बॉडी पूरी बॉडी में से अंग के, बहुत से लोग होते हैं वो अंग डोनेट नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं यार हम बॉडी जो है अपनी पूरा संस्कार करेंगे, आपको क्या लगता है सर, हैं इस तरह के मिथ? आप कैडावर डोनर की बात कर रहे हैं या लिविंग बंदे की बात कर रहे हो? नहीं, वो सर वो पहले भी सर वो इसी करके वो अपने अंग जो डोनेट करने की वो सोचता नहीं है, इस तरह के मिथ अभी काम कर रहे हैं या नहीं है? पहले मिथ तो थी, अभी तो नहीं है। अभी ऐसा है ना कि जैसे कि आज हमने रिजल्ट दिखाया, डॉक्टर साहब ने दिखाया कि आपने देखा होगा वो पैंक्रियास ट्रांसप्लांट करके वो बच्चा भी एक आया था जी। तो ये रिजल्ट ये सब दिखाने के बाद ना आपके माध्यम से अगर लोगों को पता चले जी, तो वो जो मिथ है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो मेन थिंग तो पब्लिक में आपका अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। मिथ 20-25 साल पहले होता था कि कोई यंग निकाल दे तो फिर मेरा अगले जन्म में, बिल्कुल ऐसे ऐसे था मिसकंसेप्शन जी। अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, मैं कहता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि, और इसके लिए इतना कैडावर से ट्रांसप्लांट हो भी रहा है, पीजीआई में नहीं बाकी जगह में भी हो रहा है और ये नंबर पिकअप कर रही है। वो मिथ की बात अभी नहीं है, लोगों की इच्छा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये डेथ केस में कितनी देर तक हम किडनी को जो है वो निकाल सकते हैं, किडनी डोनेट की जा सकती है? 2 तरह से आदमी की डेथ हो सकती है जी। आज साइंस एडवांस कर गई है, पहले हमको डेथ तभी कहते थे जब हार्ट चलना बंद हो जाता, ठीक है। वो उस डेथ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर किडनी निकालती होती है जी, मैक्सिमम यूजली 30 से 60 मिनट में। जो अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है, पेशेंट की डेथ होने से पहले उसको मशीनों पर डाल दिया जाता है जी, तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट की डेथ हो गई है, कि इसका ब्रेन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, बिल्कुल ठीक है। पर मशीन से हम हार्ट को चला रहे हैं, उस डेथ में हमको टाइम मिल जाता है जी। तो फैमिली अंडरस्टैंड करती है, उसमें 24 घंटे 48 घंटे 1 हफ्ता भी हम मशीन पर मेंटेन करके रख सकते हैं।
डॉक्टर साहब, तो डेथ रेट तो काफ़ी हाई है, मतलब कि एक्सीडेंट के डेथ या नेचुरल डेथ या और भी कई डिजीज़ के कारण डेथ, लेकिन मैंने देखा सर सारे लोगों की किडनी जो है वो हम नहीं ले पाते। अगर सारे लोग हमें किडनी दे जाए तो मेरे ख्याल जो वेटिंग लिस्ट 8 साल की है वो शायद इतनी ना होती, और जो 4000 पेशेंट वेटिंग लिस्ट में हैं उन सभी को किडनी मिल जानी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है, लोग मतलब कि अवेयर नहीं है या लोग देना नहीं चाहते? सबसे बड़ा एक कारण जी, हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, इतने लोगों, इतने डोनर्स को इतने ICU बेड्स नहीं है। सरकार इसमें कर रही है अभी ICU, एक ICU ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जी। जब तक हमारे पास ICU बेड नहीं है, जब तक मशीन पे रखेंगे नहीं तो ऑर्गन कहाँ से ले लेंगे जी, ठीक है ना। और दूसरा, जो डेथ के बाद ऑर्गन लेना है, कार्डियक डेथ के बाद, वो इतना मुश्किल है कि वो हर सर्जन नहीं कर सकता। उसके लिए भी आपके पास इतने ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी नहीं है कि जो उस तरह के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट जैसे हम कर लेते हैं PGI में जी, तो और कोई सेंटर ऐसा कर नहीं पाया अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जी। पर जो आप फिगर बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो मेरे ख्याल PGI की ही बता रहे हैं। अभी PGI में ही 8 साल लंबी लिस्ट है और 4000 जो पेशेंट हैं वो वेटिंग लिस्ट में है। वो तो सिर्फ एक PGI हॉस्पिटल की है जो कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और पूरे कंट्री की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा होगी, लाखों में होगी। हाँ जी, पर ऑर्गन डोनेशन रेट, ये फैसिलिटी तो सब जगह ही प्रॉब्लम है। ICU बेड तो हर जगह ही नहीं है, तो एक बार ICU की बेड होएगा उसके बाद डॉक्टर्स को ये आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी ये पेशेंट डेड है, वो उनकी ओरिएंटेशन वैसे करोगे, उसके बाद फैमिली से पूछोगे, फिर फैमिली की कंसेंट पे आओगे कि कुछ लोग मानेंगे कुछ नहीं मानोगे। बिल्कुल, तो ये प्रोसेस जब तभी स्टार्ट स्ट्रीमलाइन होएगी जब हमारे पास ICU बेड, वो अभी हमारी पहली लिमिटेशन है। और दूसरी लिमिटेशन है कि जो हमारे जो डॉक्टर ICU के, उनको रिकॉग्नाइज करना कि ये ब्रेन डेथ है और ब्रेन डेथ डिक्लेयर करना। डॉक्टर साहब, जैसे हम आँखें वगैरह और चीज़ें, हम जब मैं बॉडी अपनी डोनेट कर सकता हूँ, ये अभियान भी चल रहा है, ऐसे क्या किडनी भी पहले ही मैं लिख के दे सकता हूँ भैया जब मेरी डेथ हो तो किडनी जो है मेरी डोनेट कर दी जाए, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है कि आप अपने पास डोनर कार्ड रख सकते हो जिसमें आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हो, अपनी फैमिली को बता सकते हो, तो ये आपकी फैमिली की उस टाइम पे मरने वक्त उनकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि आपकी विशेष को एग्जीक्यूट किया जाए। अगर आप पहले नहीं लिखते हो तो फिर फैमिली कन्फ्यूज़ हो जाती है कि उस टाइम पर क्या करना है कि ये, तो कार्ड्स आप अपने पास रख सकते हो, फैमिली को बता सकते हो। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज, क्योंकि 50 साल हो गया है और PGI ने एक पूरा लंबा सफ़र जो है किडनी ट्रांसप्लांट का वो पूरा तय किया है, इस समय कोई मैसेज, ऐसा मैसेज जिससे पेशेंट्स को फ़ायदा हो जाए, कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट है उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें और लोगों को अवेयर किया जा सके? मैसेज एक ही है, अंगदान का। तो जब आपकी बॉडी जलाई जा रही है तो ऑर्गन सही पे जल जाते हैं। बिल्कुल, वही अगर किसी को ज़िंदगी दे सकें, एक आदमी 8 लोग को ज़िंदगी दे सकते, तो वो सब करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से? यही है, अभी रिजल्ट्स ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे हो गए हैं, किसी भी ऑर्गन के ले लो, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, किसी के भी ले लो, हाथ भी रिप्लेस कर देते हैं, सो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए वो जो कार्ड की बात डॉक्टर आशीष ने कहा, वो कार्ड बना लेना चाहिए जी जी, ताकि जब वक्त आए तो ऑर्गन की डोनेशन हो सके। चल, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ये थे डॉक्टर मुक्त एंड डॉक्टर आशीष जी, जिन्हों का कहना है भी 8 बंदियां नू आपां जीवन दान दे सकते हैं। एक बॉडी जड़ी है, एक बॉडी 8 बंदियां नू जीवन दान दे सकती है, एक बहुत वड्डी गल है। और इस करके, और साड़ी बॉडी जिस टाइम जल जाती है उसके नाल वो सारे जिहड़े ऑर्गन है वह भी नाल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस करके आपां चाहिए है कि मैक्सिमम लोगों नू अपनी बॉडी जिहड़ी है वह डोनेट करनी चाहिए है, और जो तुसीं जीवित हो उसी टाइम एक कार्ड जिहड़ा बना के भी बॉडी डोनेट करन दा कार्ड बनता वो बना के अपनी जेब च रख सकते हो, और इन्ना ही नहीं अपने जिहड़े कहिंदे नीयर डियर है उन्होंने दस सकते हो, ताकि जिस टाइम थोड़ी डैथ होवे तो तुसी अपनी जिहड़ी थोड़ी जिहड़े रिलेटिव है वो थोड़ी जिहड़ी बॉडी है वह डोनेट कर सकन और 8 बंदियां नू जीवन दान मिल सके। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल दैनिक सवेरा TV लई चंडीगढ़।